हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्यूज। आई एम दिनकरनाथ मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आपके लिए लाए हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन जो आपके करियर के लिए, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। एक वर्ड है अभ्यास। उस अभ्यास के बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं। कौन कौन है? एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, हैबिट। लेकिन इन सभी का यूज हम कहां करेंगे? वेयर शुड वी यूज? एक्सरसाइज कहां होगा, प्रैक्टिस कहां होगा, हैबिट कहां होगा? तो देखिए, कह रहा है कि आदत के अर्थ में, यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज की आदत है या आदत पड़ गई हो, तो आदत के अर्थ में यदि अभ्यास के लिए हमको वर्ड पुट करना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैबिट। यानी अभ्यास के अर्थ में आदत की अंग्रेजी, आदत के अर्थ में अभ्यास की अंग्रेजी हैबिट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसकी हिंदी क्या निकल रही है? मुझे सुबह सुबह उठने का अभ्यास है, यानी सुबह सुबह उठने की आदत है। तो आदत के अर्थ में अभ्यास की अंग्रेजी जो होगी वो हैबिट होगी। नेक्स्ट है, दूसरा है पाठ के अर्थ में, लेसन के अर्थ में, कुछ बनाने अथवा करने के अर्थ में, पढ़ने के अर्थ में अभ्यास की अंग्रेजी एक्सरसाइज होगी। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मोर देन 300 एक्सरसाइजेस, 300 एक्सरसाइजेस इन दिस बुक। इस बुक में 300 से अधिक एक्सरसाइजेस हैं, यानी 300 से अधिक अभ्यास हैं, यानी कुछ पढ़ने समझने के लिए 300 से अधिक एक्सरसाइजेस हैं, अभ्यास हैं। नेक्स्ट, कार्यकुशलता की प्राप्ति के अर्थ में, कार्यकुशलता की प्राप्ति के अर्थ में अभ्यास की अंग्रेजी, कार्यकुशलता के प्राप्ति के अर्थ में ये जो अभ्यास किया जाता है, उस तरह से अभ्यास की अंग्रेजी प्रैक्टिस होगी। फॉर एग्जाम्पल, कह रहा है कि प्रैक्टिस ऑफ ऑल द एग्जाम्पल्स इज नेसेसरी, यानी सभी एग्जाम्पल, सभी अभ्यासों का, सभी एग्जाम्पल्स का अभ्यास जो है वो नेसेसरी है, जरूरी है। तो यहां पर क्या है कि यदि आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, तो आप कार्यकुशल हो जाएंगे, आप में कार्यकुशलता हो जाएगी। तो कार्यकुशलता के अर्थ में यदि अभ्यास के लिए हमको वर्ड डालना हो तो अभ्यास के लिए प्रैक्टिस शब्द का यूज होगा। नेक्स्ट, अयोग्य या अनुचित, अयोग्य या अनुचित, अयोग्य या अनुचित के अर्थ में अनफिट लिख सकते हैं, अनेबल लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर लिख सकते हैं, और अनवर्दी लिख सकते हैं। लेकिन कहां अनफिट होगा, कहां अनेबल होगा, कहां इम्प्रॉपर होगा और कहां अनवर्दी होगा? स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज बाय यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स बिकॉज दीज आर कंफ्यूजिंग। ये सभी कंफ्यूजिंग है, पता नहीं चल पाता है स्टूडेंट को कि कहां यूज किया जाएगा। ये सभी क्लोज्ड और डबल फिलर के जो ऑप्शंस होते हैं ना, उस ऑप्शंस में ये सभी वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग यहां पर अयोग्य और अनुचित के लिए अनफिट, अनेबल, इम्प्रॉपर, अनवर्दी ये सब वगैरह होगा। तो देखिए, कह रहा है किसी वस्तु के अनुकूल न होने के अर्थ में, किसी वस्तु के अनुकूल न होना, उस अर्थ में यदि अयोग्य की बात होगी तो उस अयोग्य के लिए हम क्या डालेंगे? अनफिट। क्या डालेंगे? अनफिट। दूसरी बात, कुशलतापूर्वक कार्य को संभालने की शक्ति के अभाव के अर्थ में अयोग्य की अंग्रेजी अनफिट। देखिए एग्जाम्पल, कह रहा है दिस शर्ट इज अनफिट फॉर यू, यानी उसके अनुकूल शर्ट नहीं है। दिस शर्ट इज अनफिट फॉर यू, यानी यह शर्ट तुम्हारे अयोग्य है, यानी तुम्हारे लिए नहीं है, यानी तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल नहीं होने के अर्थ में अयोग्य या अनुचित की अंग्रेजी क्या होगी? अनफिट। दूसरा क्या है, एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, ही वॉज अनफिट फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर, यानी वो टीचर के पद के लिए अयोग्य था, वो टीचर के पद के लिए अयोग्य था। तो यहां पर अनफिट यहां पर क्यों यूज किया गया? क्योंकि इसका एक और रूल है कि कुशलतापूर्वक कार्य को संभालने की शक्ति के अभाव के अर्थ में, यानी वो टीचर का काम ठीक से कर नहीं सकता, स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकता, तो उसमें शक्ति और की कमी है, अभाव है, इसलिए यहां पर अयोग्य की अंग्रेजी क्या हो गई? अनफिट। सामर्थ्य के अभाव में, कैपेसिटी के अभाव में, शारीरिक क्षमता के अभाव के अर्थ में यदि अयोग्य की अंग्रेजी डालनी हो तो क्या डालेंगे हम? अनेबल। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अनेबल टू डू दिस वर्क, वह इस काम को करने योग्य नहीं है, वह इस काम को करने योग्य नहीं है, यानी कि उसके उसके पास कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, शारीरिक योग्यता नहीं है, शारीरिक क्षमता नहीं है। तो इस तरह का के अर्थ में, सामर्थ्य के अभाव के अर्थ में, अर्थ में अयोग्य की अंग्रेजी अनेबल होगी। नेक्स्ट, कर अनुचित कार्य, विचार, भावना, बात, ये सब के अर्थ में यदि अयोग्य की बात होती हो, अनुचित की बात होती हो, तो उसके लिए हम इम्प्रॉपर यूज करते हैं।
कौन कौन सा के अर्थ में? अनुचित कार्य, विचार, भावना, यानी अनुचित कार्य, अनुचित विचार, अनुचित भावना, अनुचित बात, इस तरह के अर्थ में अयोग्य की अंग्रेजी जो होगी इम्प्रॉपर होगी. फॉर एग्जाम्पल, इट इज इम्प्रॉपर टू अब्यूज एनीवन. इट इज इम्प्रॉपर टू अब्यूज एनीवन, किसी को गाली देना यह इम्प्रॉपर है, यानी गलत विचार है, गलत आइडिया है, गलत बात है. तो इस तरह के अर्थ में अयोग्य की अंग्रेजी क्या होगी? इम्प्रॉपर. नालायक के अर्थ में अयोग्य की अंग्रेजी, नालायक के अर्थ में अयोग्य की अंग्रेजी अनवर्दी. वर्दी मतलब लायक, अनवर्दी मतलब नालायक. तो नालायक के अर्थ में योग्य की अंग्रेजी अनवर्दी. फॉर एग्जाम्पल, एन अनवर्दी सन ऑफ ए वर्दी फादर, यानी इसका मतलब निकला योग्य पिता के अयोग्य पुत्र, योग्य पिता के अयोग्य पुत्र. तो यहां पर अयोग्य की अंग्रेजी अनवर्दी होगी, जो करेक्ट है. तो दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो हम अपलोड करते रहें. थैंक यू.